करा दे यार। उसमें कौन सा कुछ कर लेगा। बहुत बढ़िया कम बैक बाय शाहीन अफरीदी। कोबरा डोंट गो एनीवेयर नाउ पाकिस्तान विनिंग। आई शो यू लास्ट ओवर 9 रन बचे होंगे एंड देन जमान खान यॉर्कर। जमान खान प्लीज यार, बस जमान को थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं होना है। शाहीन ने तो ये बल्ला लगा के देखिए छक्का मार रहा है। हाउ स्टूपिड, अभी विकेट गई है छक्का मार रहा है। सिंगल लेना है, यही होता है भाई 300 की चेज में, अभी 250 की चेज में यही होता है प्रेशर बैटर पे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने देखा कि भारतीय सहाफ़ी भी पहली बार पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा कमबैक कर लिया था। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की किस्मत ही नहीं थी कि वो जीत पाते, जबकि जमान खान ने बहुत ही ज़बरदस्त यॉर्कर कराए थे आखिरी ओवर में, उन्होंने यॉर्कर कराए और दोस्तों उस वक्त उम्मीद बन गई थी। पाकिस्तान और भारत दोनों के लोग पहली बार ये चाह रहे थे कि एशिया कप पाकिस्तान और फाइनल को हो सके। दोस्तों पिछले 39 साल से पाकिस्तान और भारत कभी भी दोनों फाइनल में नहीं पहुँच सके। हमेशा एक टीम पहुंचती है और दूसरी नहीं पहुंच पाती, दूसरे के साथ श्रीलंका पहुंच जाता है। दोस्तों पिछली बार हमारे साथ श्रीलंका था, इस बार भारत के साथ श्रीलंका है, जबकि पिछली बार पाकिस्तान श्रीलंका से दोनों मैच हार चुका था। लेकिन दोस्तों भारत इस बार इतना ताकतवर है कि उस टीम ने पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त भी दी और दोस्तों अब वो टीम फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे जा रही है। श्रीलंका को पहले उन्होंने लीग मैच में शिकस्त देकर फाइनल में वो पहुंचे हैं, तो फाइनल में उनका जीतना एक तरह से तय हो जाता है। मतलब 95% इंडिया जीतेगा और 5% आप श्रीलंका का कह सकते हैं कि वो भी फाइट देने के काबिल है। दोस्तों क्योंकि भारत इस वक्त इस तरह की टीम है कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों तबाही की है और फील्डिंग ऐसी करते हैं कि फील्डिंग के लिए ही वो पैदा हुए हैं। पाकिस्तान के साथ क्या टेंशन थी दोस्तों, पाकिस्तान की टीम लीग मैच खेल खेल कर और ऊपर अफगानिस्तान सीरीज भी खेल कर बहुत ज्यादा थक चुकी थी और दोस्तों फटीग फैक्टर ऊपर से और ज्यादा हो गया जब वो ज्यादा ट्रेवल भी कर रहे थे। पाकिस्तान टीम को चाहिए था कि वो पिछले 2 महीने से कोई भी मैच ना खेलते, बिल्कुल रेस्ट करते जैसा कि भारत कर रहा था। उन्होंने अपने बड़े प्लेयर को वेस्टइंडीज तक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया ताकि वो जानते थे कि अगर ऐसा हो गया तो उनकी टीम में फटीग फैक्टर आ जाएगा। पिछली बार उन्होंने भुगता हुआ है और दोस्तों इस बार उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया और वो इसलिए फाइनल में चले गए हैं। पाकिस्तान टीम को टाइम तो मिल चुका है, 15-20 दिन है वर्ल्ड कप के लिए और उन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि अपना फटीग फैक्टर दूर करें, आराम करें और अपने जहन को भी सुकून दें ताकि आगे वर्ल्ड कप के लिए वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। दोस्तों देखकर ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान इस बार कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएगा वर्ल्ड कप में। जमान खान एक अच्छा फैक्टर आ गया है, अब्दुल्ला शफीक के रन आ गए हैं और दोस्तों फास्ट बॉलर जो इंजरी का शिकार है उन्हें भी अगर वो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को स्पिन पर काम करना चाहिए, नुमान अली को जरूर ऐड करना चाहिए या इब्रार अहमद, ये आपके वो बॉलर हैं प्लेयर हैं जो दोस्तों पूरा का पूरा मैच का रुख बदल सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि कल का मैच हारने के बाद इब्रार अहमद को लाने की तैयारी हो रही है और दोस्तों ऑफिशियल खबर है कि इब्रार अहमद को भी शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इब्रार अहमद से भी ज्यादा, इब्रार अहमद अगर 22 है तो नुमान अली 20 है। आपको बीस्ट को लाना चाहिए जो एक एक मैच में साथ साथ विकटे ले रहा है, उस बंदे को लाना चाहिए क्योंकि उसने श्रीलंका में तबाही की बॉलिंग की हुई है। नुमान अली ने, इब्रार अहमद ने पाकिस्तान की फ्लैट पिचेस पर विकटे ली थी, वहां पर तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने भी ली है, तो इसलिए बेहतर है कि आप नुमान अली को ऐड करें। नुमान अली एक सीनियर प्लेयर है दोस्तों, 35 साल से ऊपर उनकी उम्र है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान अगर टीम में शामिल कर देता है तो वो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसलिए इस मैच में जहां पर पाकिस्तानी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे तो भारत का पूरा मीडिया भी पाकिस्तान को इसलिए सपोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो जाए।